नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो आज हम रिव्यू करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आने वाली नई बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है भुज। तो उसकी ट्रेलर की, और ट्रेलर जो है वो सुबह ही आज रिलीज हो गई है। और ये जो मूवी है, इस मूवी का रिलीज लेके बहुत दिनों से बहुत कुछ सुना जा रहा था कि ये अल्टीमेटली थिएटर में आएगा, फिर बाद हुआ कि नहीं, अल्टीमेटली ये आने वाला है अपने OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो मूवी प्लेक्स है, मतलब जो नई मूवी को वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं OTT में, तो वही सेक्शन के अंदर में ये भी रिलीज होगा अगला महीना 13 तारीख को, अर्थात 13 अगस्त को, जो अपने स्वतंत्रता दिवस की जो अवसर है उस अवसर में। जो फिल्म जो है, देखिए दोस्तों, ट्रेलर देखने के बाद जो छोटी सी कहानी जो समझ आ रही है कि 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था भुज के मतलब मैदान पे, तो उस वॉर की जो मतलब कहानी है उसको यहां पे दिखाया गया है। और बेसिकली ये एक सच्ची कहानी पे आधारित एक फिल्म है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी जो कास्टिंग के बारे में। तो पहली चीज जो है, इसमें आप जानते हो कि इसमें आपको अजय देवगन दिखेंगे, साथ ही में आपका संजय दत्त दिखेंगे, सोनाक्षी सिन्हा दिखेंगे, नोरा फतेही दिखेंगे और आपका शरद खेलकर दिखेंगे। तो मेनली जो मेजर कास्ट है यही है। अब दोस्तों इस ट्रेलर के अंदर में जो चीज दिखाया जा रहा है कि एक वॉरफेयर दिखाया जा रहा है, और अब साथ ही में कुछ कहानियां दिखाया जा रहा है जहां पे सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त और अपने नोरा फतेही का जो मतलब पोस्ट वॉर या प्री वॉर जो उनकी लाइफ है, उनका छोटा छोटा ग्लिम्स जो है वो दिखाया जा रहा है। अब क्यों इतना बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर जो है वो 3-3.5 मिनट का लंबा ट्रेलर है, तो इसमें बहुत कुछ चीजें जो है उसको एकदम क्लियरली दिखाई गई है। तो टू सम एक्सटेंट मुझे अगर आप पूछोगे तो मैं कहूंगा ये ट्रेलर जो है ये स्पॉइलर से भरा हुआ है, क्योंकि आपको कहानी का एक आउटलाइन मोटा मोटी जो है वो समझ आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जैक्टली ट्रेलर की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड के बारे में। तो पहला चीज जो मुझे पॉजिटिव साइड लगा, वो मुझे लगा बेसिकली शरद खेलकर का जो वॉइस है, और शरद खेलकर जो मतलब आर्मी का जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे, वो काफी मुझे दमदार लग रहा है। साथ ही में संजय दत्त का जो इंक्लूशन है, बेसिकली वो मुझे लग रहा है कि वो बेसिकली एक पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और उसमें उनका जो लुक्स है, उसमें उनका जो मतलब बॉडी लैंग्वेज है, वो चीज काफी जो है वो ट्रेलर में जो है वो जान डाल रही है। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे जो देखने में लगा वो है कि अजय देवगन का जो लुक्स है, उनका जो मतलब किरदार है, मुझे उतना खास लगा नहीं इस ट्रेलर के अंदर में। और एक चीज आपको कहना चाहेंगे, मतलब जो हमें पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, थोड़ा नेगेटिव ही बोल सकते हैं, कि इसका जो कहानी है, देखिए 1971 हो या फिर उससे पहले का हो या फिर उसके बाद का 19 कारगिल वॉर हो, कुछ भी हो, ये इंडो पाक वॉर के ऊपर जितने भी मूवीज बने हैं आज तक, मोटा मोटी इनके जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं ना, लगभग सेम होते हैं। इसमें आपको कहानी में अलग कुछ दिखेगा नहीं। बेसिकली एक आर्मी ऑफिसर दिखेगा जो बहुत बहादुर है, उनका एक परिवार है जिसको वो छोड़ के आ रहे हैं आर्मी के अंदर में अपने देश को मतलब देश की सेवा करने के लिए, और फाइनली उनका कुछ हो जाता है और उनका फैमिली सफर करता है। मोटा मोटी आउटलाइन यही होता है सारी फिल्मों का, तो ये वहां से कितना अलग होगा यही देखने वाली बात है। और एक चीज बताएंगे कि इसका जो म्यूजिक है वो भी मुझे उतना ज्यादा खास इंप्रेसिव लगा नहीं, एटलीस्ट ट्रेलर के अंदर में मुझे तो उतना कुछ लगा नहीं कि बहुत कुछ इंप्रेसिव है। और सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट दोस्त इस पर्टिकुलर ट्रेलर की मुझे लगी कि इसका जो VFX है, वो VFX मुझे काफी हद तक कंप्यूटर गेम्स जैसी लगी, जो देखने में एकदम आप बोल सकते हो कि आपको हंसी आ जाएगी कि अरे भैया ये सब तो हम लोग बहुत साल पहले देख चुके हैं अपने वीडियो गेम के अंदर में। आजकल के डेट में तो वीडियो गेम भी इससे अच्छा जो है उसका रेजोल्यूशन वगैरह जो है वो लेके आती है। तो मेरा जो इंप्रेशन है, जो मुझे मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, वो काफी हद तक मैं निराश हूं कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि काफी बढ़िया एक ट्रेलर आने वाला है, फिल्म काफी बढ़िया होने वाली है, लेकिन ट्रेलर देख के तो थोड़ा बहुत तो मैं डिसअपॉइंट हूं। आगे पता नहीं कि ये मूवी कितना खड़ा उतरेगी अपनी एक्सपेक्टेशन के ऊपर, लेकिन ट्रेलर तो मुझे उतना इंप्रेसिव लगा नहीं। तो दोस्तों यही था मेरा भुज का ट्रेलर का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।